करोड़पति बनना शुरू क्योंकि ईद और माता का कृपा साथ में आधे लोगों ने कल मना ली, आधे लोग आज मना रहे हैं। तो मोइन और दानिश ये लोग भी शायद आ रहे हैं। मोइन का फोन आया था कि मैं खीर वीर लेके आता हूँ, तो मैंने बोला मेरे तो फास्ट चल रहे हैं, बट बोला फयाज आ रहा है, इन सबको भी बोल दो तो मैं उन लोगों के लिए ले आता हूँ। तो दानिश मोइन ये सब लोग आ रहे हैं और मैंने भी अपने ग्रुप में बोला है, तो देखते हैं कौन कौन आता है। तो बस फिलहाल तो यही है, आज तीसरा दिन हो गया नवरात्रि का, अच्छा लग रहा है। और तीन दिन से फलों पे हूँ और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि मैं कुछ खा नहीं रही हूँ। तो ये तो माता रानी की कृपा होती है, क्योंकि अगर जब आप फास्ट नहीं रखते हो ना तो इतना सा भी मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। मैं इतनी चटोरी हूँ कि मुझे चाहिए चटपटा। और अभी तीन दिन से मैंने नमक नहीं खाया है, कोई अन्न नहीं खाया है, सिर्फ फ्रूट्स एंड जूस बस। तो चलते हैं काम पे, लगते हैं खाना वाना बनाते हैं दिन का। किचन में आ गई हूँ, चने बॉईल कर दिए हैं, तो आलू चने बनाऊंगी। और पूरा खाना प्योर वेज बिना प्याज लहसुन के बनने वाला है। तो चने बनाऊंगी और सूखे आलू बनाऊंगी, बूंदी का रायता बनाऊंगी, चटनी बनाऊंगी, पूरी बनाऊंगी एंड चावल बनाऊंगी। मेरे घर वाले जब ये देखते हैं ना व्लॉग, पापा बोलते हैं ये इतना काम करती है, क्योंकि लिटरली मैं जब घर जाती हूँ ना, मतलब चाय भी मुझे बेड पे देते हैं। मतलब पता नहीं क्यों होता ना कि मम्मी होती है घर पे, तो हमें ऐसा लगता है कि यार हाँ अब तो मम्मी, और मम्मी सच में करने भी नहीं देती है, बस मम्मी कहती है तू बैठ के खा ले। और मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि मुंबई में तो मेरी भूख सही रहती है, जैसे मैं घर पहुंचती हूँ मतलब उत्तराखंड, मेरी भूख मर जाती है। पता नहीं मुझे उधर भूख ही नहीं लगती है, मतलब मम्मी कितना कितना करते करते एक पराठा भी लाएंगी ना तो मैं वो भी आधा खाऊंगी, और यहाँ मैं दो दो तीन तीन पराठे खा सकती हूँ। तो पता नहीं क्या है बट ठीक है। ओह बहुत टाइम हो गया वैसे मम्मी के हाथ का खाए हुए। सोच रही हूँ घर भी जाना है, कब से सोच रही हूँ मैं घर जाने के लिए, इस बार मेरा घर जाना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्यों। इधर चने का मसाला भून रहा है, इधर आलू ये टमाटर काटे मैंने आलू की सब्जी बनाने के लिए। और आज प्योर वेजिटेरियन है, मतलब प्याज भी नहीं है, तो क्योंकि मंदिर में भी भूख लगाना है माता रानी को भी, तो पूरी बनानी है उसके बाद। और आराम आ गया मेरा ना, एक्चुअली घर में कोई नहीं रहता ना, तो मेरे को लगता है ब्लॉग कैसे बनाऊँ क्या करूँ। अब फिलहाल आराम आ गया तो अभी ये थोड़ा बहुत ब्लॉग बना देगा मेरा। चने यहाँ भिगो दिए क्या फयाज? आएगा वही 12 बजे तक, जहाँ तक 12 एक तक हो गया है, डबिंग बताई उसकी डबिंग है, उसका कुछ काम का डबिंग आई है तो उसी की डब कर दिया। बस साइन चक्रो, तो बस फिलहाल सब लोग शायद 1-2 बजे तक आ जाएं। तेरा ब्रदर तो भूख भूख नहीं लगती है यार? ये बात मैं सोच रही थी आज, मैं इतनी चटोरी हूँ कि एक दिन भी कोई मेरे को बोले ना कि अपने मन का मत खा, मतलब मैं कहीं खाने पे भी जाती हूँ मुझे ऐसा लगता है यार पता नहीं कैसा बना होगा, क्योंकि मेरे को टेस्टी खाना वो जीभ चटोरी है। पर नवरात्रि में पता नहीं क्या होता है कि मैं बिना नमक के बिना खाने के हूँ मतलब, और आज तीसरा दिन शुरू हो गया और मुझे फील ही नहीं हो रहा, मतलब खा भी क्या रही हूँ, एक फ्रूट खा रही हूँ पूरे दिन भर में, एक फ्रूट भी पूरा नहीं खा पा रही हूँ, और ज्यादा से ज्यादा एक ग्लास जूस पूरे दिन भर में पी रही हूँ। पर अच्छा ठीक है, क्या क्या लाया? अच्छा अभी थोड़े दिन तक याद नहीं रहेगा कि मैं रोजे में नहीं हूँ। लाइट जिम जिम कर रही है, जा रहा हूँ मटर लेके आ दो। तो
मटर लेके आया लड़का, अरे आज तो नए नए टी शर्ट भाई। नहीं नहीं भाई पुरानी है, पहनता नहीं बस ये। पहना करो भाई, कपड़े अच्छे लगते हैं शरीर में। रेड, ये रेड, ठीक है इसका ये रेड, ऐसे तो बहुत सामान रेड है, वो देख उसको वो भी रेड है, इसके हाथ में रेड, इसके माथे में फीका रेड, टमाटर रेड उधर। यम्मी क्या कर रहे है देखा आज, मैं माई का लाल, मैं माई का लाल मटर लाया, मटर छिलते हैं। कितना हुआ प्रोग्रेस? चने बन गए हैं, रायता बन गया है, आलू मटर बन रहे हैं। अच्छा तूने अपना मोबाइल पता है यहाँ पर बगल में रख रही है, उसमें छींटे आ रहे हैं तेल के, और वो फिर स्क्रीन खराब होती है तेल के छींटे से। कभी भी जो औरतें किचन पे काम करती हैं ध्यान रखें अपना मोबाइल जो है ऐसे तेल वेल के बगल में ना रखो, उसका छींटा आएगा और आपका मोबाइल खराब हो जाएगा। और भाई साहब इधर जीत की काले काले दोनों एकदम काले काले क्यों? जिनके दिल काले होते हैं अच्छा मुझे लाल दिल वाले दिल तोड़ने वाले होते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो मेरे भाई, अल्लाह ताला हम सब पे कृपा बनाए रखे, हम सब पे खुशी करे, हम सब मिलके रहे, एकजुट रहे, कुछ भी हो जाए चाहे प्यार बना रहना चाहिए। और ईद की सबको सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, लव यू। क्या करोड़पति बनना शुरू मत, क्योंकि ईद और माता का कृपा साथ में, साथ में मेरा गेट के सामने खड़ी रहती है। हां अच्छा लग रहा है, थोड़ा नीचे बांधना, ये तो नहीं है ना, मैं क्या करूं, अरे तो नीचे बांधना, थोड़ा अंदर थोड़ी दिख रहा, कहां बात है? नहीं नहीं नीचे होता है यार, कैसी बात कर रहा है यार, मैं लंबा हूं ना, हां ये इतना इतना भी नहीं है बट है थोड़ा सा। शुभ नवरात्रि। सतिया ज्योता वाली माता तेरी सदाई जय हो, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। JRD म्यूजिक बताइए कैसा लगा? म्यूजिक चैनल है हमारी कंपनी का नाम। अच्छा तो खाना कैसा हो रहा है? प्रसाद बहुत अच्छा है, माता रानी की कृपा है, छोले अच्छे बने हैं, टमाटर की सब्जी अच्छी बनी है, रायता अच्छा है। पार्टी ईद की है, खाना नवरात्रि का है। थैंक्स टू क्या? पार्टी ईद की है, खाना नवरात्रि वाली है। जय बात ठीक है, साथ साथ हम साथ साथ है, बिना कांदा लहसुन के। हां बिना कांदा लहसुन के। हां टेस्टी है, टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। हैप्पी ईद। तो भाई रश्मि को टाइम मिल गया आने का, ब्रदर ठीक है, ये लग रहा है ईद वाले तो भाई, ये इसने पहना है यहाँ आके, यहाँ आके पहना है उसने वो। ईद मुबारक। कैसे हो, तुम्हारा फास्ट है ना? हाँ मेरा भी फास्ट है। बैठो बैठो, बैठ जा बैठ जा, सब खा के चले गए, कोई भी नहीं आया। तो जी हाय हाउ आर यू, किसी का फास्ट है, किसी की ईद है। ये नहीं कहेगा अंदर के कॉइन्स गिफ्ट करना है अम्मी, ये नहीं कि अंदर के कॉइन गिफ्ट करो। वाह वाह वाह, मुबारक ईद मुबारक। तो मोइन इधर लेके आया मीठा। आज पीले पीले कपड़ों में देखो कौन आया, वीडियो चल रहा है, हां वीडियो चल रहा है।
ये जो हेयर स्टाइल है ये हेयर स्टाइल मेरी है ओरिजिनल। ये हेयर स्टाइल जो रखी गई है ये मेरी है। हाँ मैंने आप ही से कॉपी इसको फोल्ड करके बनाना चाहिए ऐसे। शाहरुख ने बनाया था ना हाफ बालों को फोल्ड करके। हाँ वो ये नीचे नीचे वाला ना बहुत नीचे बड़े हुए नहीं मेरे इसके लिए थोड़ा। काजू कतली आई है माता जी के लिए। सेप्टो जिंदाबाद माता को रिश्वत खिलाई जा रही है अपने कार्य पूरा कराने के लिए। मैं तो बोल भी नहीं पा रहा कुछ मांग भी नहीं पा रहा तो कंटिन्यूअसली हंसा ही जा रहा है। सबकी इच्छा पूरी करे माता रानी। पीले वस्त्र धारण करके बृहस्पतिवार के दिन ये मनुष्य आया है। इसको बंद कराओ यार। तो गाइज आज नवरात्रि का तीसरा दिन भी खत्म हो चुका है। ईद भी अच्छे से हो गई और आप सबने देखा कि हम सारे दोस्तों ने कितने अच्छे तरीके से ईद भी मनाई और नवरात्रि भी मनाई और प्योर वेजिटेरियन ईद हुई है इस बार हमारी। ठीक है तो अच्छा था, अच्छा लगा सबके साथ। ऐसे ही प्यार बना रहना चाहिए सब में और साथ साथ रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें प्यार से रहें, बस यही कहना चाहूँगी। और फिलहाल आज के ब्लॉग में इतना ही क्योंकि अभी मैंने शूट भी करना है और ये ब्लॉग को एडिट भी करना है तो बहुत सारे काम है, तो इसलिए आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलेंगे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले देखते रहिए गुंज ब्लॉग्स, देखना ना भूलिए गुंज ब्लॉग्स। थैंक यू सो मच। टाटा। कांति बाई देख लो।